नमस्कार, मेरा नाम है सत्य और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के प्रति बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं नानूंद की, जहां पर सुबह 4 बजे किसान लाइन में लगे हुए हैं, पर गेट ना खुलने की वजह से उन्हें किस प्रकार दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है, और इस कोरोना वायरस महामारी में जहां लोगों को एक दूसरे दूर रहना है, कितनी बड़ी लाइन लग गई है और ये प्रशासन की कितनी बड़ी कमी है, आइए आपको दिखाते हैं। सुबह 4 बजे खड़े हैं, 4 बजे लाइन में लगे, चल कोरोना की वजह से ये नुका रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हम मजबूरी भी समझ रहे हैं, तो गेट तो कम से कम पहले खुलवा आ जाओ। एक किसान में 4 बजे खड़े हूँ, मैं कंपाइन लगाऊं, तूड़ी बनवाऊं, आड़े मेरा ट्रैक्टर ट्राली रूंडा खड़ा है, तो यह सरकार से अनुरोध है कि मंडी का गेट जल्दी खुलवाओ। ये बिरान माटी देख लो, किसान ने क्यों तो रेंद्रे माटी हो रही है, ये और दम बिरान माटी ऊपर तो राम बरसन हो रहा है, ये क्यों मारो किसानों ने, के ले आऊंगा फिर ये कि दौड़ा का नहीं रहूंगा। इन ना तो ऐसा काम कर दिया, सारी सीधी सी करके धान खड़ा कर दिया, कहने का मतलब खड़ा खड़े तो हम लाइन में ला गिर बोलता हूँ भूखे मिला 5 बजे 4 बजे के। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नारनोंद की अनाज मंडी के सामने की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अभी तो लाइन बहुत लंबी है, बाइक पे हम चले हुए हैं और बाइक पे लगातार स्पीड में हम जारी हैं, और दोनों साइड ही ट्रैक्टर यहां पे नजर आ रहे हैं। भीड़ कितनी है इसका अंदाजा आप सिर्फ लगा ही सकते हैं, बयान नहीं कर सकते। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नारनोंद की, काफी विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं, काफी परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। जानबूझ के हम किसी किसान नारनोंद के बाद दूसरी वीडियो सामने आई करनाल अनाज मंडी से, जहां बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। खुले में रखा हुआ सारा गेहूं तिरपाल न होने के कारण बारिश में भीग गया। अब इस कोरोना वायरस महामारी के बीच, जहां चावल गेहूं को संजोने की, कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वक्त इतनी बड़ी गैर जिम्मेदार हरकत का जिम्मेदार कौन है, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो को और विस्तार से समझाते हैं। बहुत भारी नुकसान हो गया है हरियाणा के करनाल जिले की अनाज मंडी में तरपाल न होने के कारण, तरपाल सरकारी तरपाल न होने के कारण किसान पहली बार हरियाणा के धर्म कांटों पे तुलाई हुई है। बड़े बड़े धर्म कांटों पे किसान आया, उसने ट्रैली से अनाज तोल करके चला गया, और उसके बाद आज बरसात हो गई है और आप देख रहे हो अभी तरपाल कहीं कहीं से ला करके दिखाए हैं, हम आपको फिर दिखा रहे हैं। बड़ा भारी नुकसान हो गया इस लाइव का माध्यम मेरा यही है कि आप गोंडा अन्य अनाज मंडियों में आड़ती सचेत हो जाएं, तरपाल रखें बड़े बड़े, अगर नहीं है तो सरकार से तरपाल ले लें, सरकार के पास इतना तरपाल है पर वो देती नहीं है। और ये देखिए ऊपर बरसात चल रही है, मैं छतरी लेकर के आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और इस तरह से देखिए, ये ऊपर बरसात चल रही है और गेहूँ पूरी तरह से भीगा हुआ है। किसान आया और जो रूल है कि किसान अपनी ट्रैली में कांटे से तुलवाए, धर्म कांटे से, सात साल पहले जो हरियाणा में कांटे धर्म कांटे लगे हुए थे, उन धर्म कांटों का पहला प्रयोग किया गया है। और ये देखिए पानी भर चुका है और उन धर्म कांटों से किसान की ट्रैली का वजन हुआ, और उसके बाद वो ट्रैली अनाज मंडी में अपना अनाज गेर करके चला गया। उसके बाद आड़ती का ये अनाज है, अब ये अनाज जो है
ये सरकार लेगी नहीं। और आज कोई भी गरुंडा अनाज मंडी में गेहूं लेकर के नहीं आए, क्योंकि इस गेहूं को ही का रखाव रखाव करना ही बड़ा मुश्किल है। और फिर ये इतना भीगता है क्योंकि इनके पास तरपाल नहीं है, तरपाले सरकार के गोदामों में है, सरकारी गोदामों में। फूड सप्लाई के पास तरपाल है, एफर के पास तरपाल है, वेयर हाउस के पास तरपाल है, पर कोई तरपाल देता नहीं है। ये ऊपर बरसात चल रही है, छतरी के नीचे से आपको लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अनाज मंडी में रहता हूँ। अभी देखिए आप लोग, ये देखिए, और आड़ती पूरी तरह से मर चुका है। अगर ऐसे ही शाम तक बरसात चलती रही तो आड़ती, जो आड़ती बनिया है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो किसान खत्म हो जाएगा, और किसान खत्म हो जाएगा तो समझो अन्नदाता खत्म हो जाएगा। तो इस देश में कुदरत का कहर, आप लोग ओट नहीं सकोगे, ओट नहीं सकोगे। उधर से बीमारी, उधर से ये पानी। इन दोनों वीडियो देखने के बाद जो बात सामने आती है वो ये है कि सरकार पूरी तरह सचेत नहीं है, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी कमी देखी जा रही है। हम द विवरण के माध्यम से प्रशासन को गुजारिश करेंगे कि किसानों की मेहनत को जाया ना जाने दिया जाए, कुछ ठोस कदम उठाए जाएं और इस तरह की लापरवाही से बचा जाए। इस वीडियो को देखने का आपका धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपने नाम में कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।